ये पॉइंटर का डिक्लेरेशन है, ये अरे का डिक्लेरेशन है, सिंपल सा है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाया पॉइंटर का। अब आप देखिए p इक्वल टू अरे किया, p इक्वल टू अरे मतलब जो बेस एड्रेस था अरे का वो किसको एलोकेट हो गया, p को। अब p हम बढ़ाते जाएंगे और वैल्यू हम नोट करते जाएंगे अरे की। ये हमारा जो है लूप चल रहा है 0 से 6 तक। सी आउट पॉइंटर p, पॉइंटर p की मतलब इस अरे की वैल्यू, जीरोथ पोजीशन पर अरे के पास क्या वैल्यू होगी वो बताएगा पॉइंटर p, और सिर्फ p बताएगा जीरो पोजीशन। फिर जब ये मूव हुआ, ठीक है कि जो पॉइंटर है, ठीक है ना, प्लस प्लस मूव द पॉइंटर टू द नेक्स्ट इंटीजर पोजीशन, लुक एट दैट, ये तो लूप चल रहा है, पॉइंटर की पोजीशंस आप यहां से p प्लस प्लस से बढ़ा रहे हो। तो लुक एट दिस, अगर मैं इसको रन करता हूं प्रोग्राम को, ठीक है, इस प्रोग्राम को अपन रन करके देख लेते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से हम ट्रेवर्जिंग करते हैं, किस तरीके से हम ट्रेवर्जिंग करते हैं। जस्ट मिनट, देखिए आप 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आउटपुट आया 1 2 3 4 5 6। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम प्रोग्राम। दिस इज द पॉइंटर डिक्लेरेशन, दिस इज द अरे डिक्लेरेशन। पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया आपने, अरे को डिक्लेयर कर दिया, या फिर आपने असाइनमेंट करा दिया कि किस तरीके से अरे का एड्रेस पॉइंटर को असाइन हो गया। फिर देखिए आप लोग यहाँ पर आपने क्या किया है, प्रिंट करवा लिया पॉइंटर की वैल्यूज को एंड एल करके, पॉइंटर की वैल्यूज को कि क्या वैल्यूज आ रही हैं पॉइंटर पे, उसको अपन ने प्रिंट करवा लिया है। नाउ अब जब पहली वैल्यू आपके पास पी के पास आई, पी के पास फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू थी वो आ गई। लूप हमारा सिर्फ हमें बाहर निकालने के लिए चल रहा है, ठीक है। पॉइंटर मूव करेगा पॉइंटर टू द नेक्स्ट इंटीजर पोजीशन, नेक्स्ट इंटीजर पोजीशन को पॉइंटर को मूव कराने, तो हमने पी प्लस प्लस किया एंड देन। तो देखिए पी ने सेम वही काम किया है जो हम अरे के थ्रू कर सकते हैं, कि एक अरे के पास जो वेरिएबल जो एड्रेस था वो हमने पॉइंटर के थ्रू लिया और प्रिंट करा लिया। तो पॉइंटर इज जस्ट नथिंग बट एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, कि आपके पास जो एड्रेस है दूसरे वेरिएबल की उसकी वैल्यू उसको पी में स्टोर करा लो, और हम पी के थ्रू देख सकते हैं हमें अगर इस अरे के थ्रू नहीं देखना हो। दैट इज द पॉइंटर। नाउ कम टू अनदर पॉइंट, हाउ टू इंक्रीमेंट पॉइंटर एड्रेस एंड पॉइंटर वैल्यू, पॉइंटर वैल्यूज को आगे कैसे बढ़ाया जाता है या कम कैसे किया जाता है एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर क्या है, एड्रेस है एक वैल्यूज का, तो उसको आगे करना या पीछे करना। तो नॉर्मली जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं आप पॉइंटर के साथ भी आप सीख वैसे ही करते हो कि पी प्लस प्लस